friends, let's discuss how the feminism supported in the discipline making. Okay, feminism मतलब होता क्या है? Feminism मतलब होता है कि जैसे कुछ लोग महिलाओं के अधिकार के लिए बोल रहे हों, तो ये महिलाओं के अधिकार की बात कब आ गई? महिलाओं के अधिकार की बात जब 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 लिबरेशनिस्ट मूवमेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ में चल रही थी, तब तब महिलाओं ने भी बोला कि मुझे भी अधिकार चाहिए. तो इससे क्या हुआ कि बहुत क्योस मच गया. तो सोशियोलॉजी ने इन प्रॉब्लम्स को, महिलाओं की प्रॉब्लम्स को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए सोचा. तो ये भी एक सब्जेक्ट मैटर बन गया सोशियोलॉजी के लिए. अब ये कैसे फेमिनिज्म मूवमेंट कब कैसे हुआ, मतलब जब स्लेवरी के अगेंस्ट मोबिलाइजेशन हो रहा था, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्लेवरी जो है बहुत ही कॉमन बात था. तो स्लेवरी के लिए जब अपोजिशन होने लगा अप्रॉक्सीमेटली 1850s में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट भी उभर के सामने आया, क्योंकि वुमेंस को भी उतने अधिकार नहीं दिए जाते थे. तो वुमेंस ने भी अपने राइट्स के लिए लड़ना चालू किया. तो ये भी एक थीम बन गया सोशियोलॉजी का, और सोशियोलॉजी को डिसिप्लिन, इस डिसिप्लिन को ब्रॉड करने में और इस डिसिप्लिन के फॉर्मेशन में. अब जैसे वुमेंस सफ्रेज का मतलब होता है कि वुमेंस को वोट डालने का अधिकार, पहले कहाँ था वोट डालने का अधिकार, नहीं था. तो मास से मोबिलाइजेशन, मतलब वुमेंस ने अपने अधिकार के लिए लड़ा. तो फेमिनिज्म ने क्या, फेमिनिज्म क्या डिनोट करता है कि वुमेंस की एक तरह से वुमेंस की तरफ से अगुवाई करना. ओके, अब जैसे प्रोग्रेसिव एरा यूएस में चल रही थी अप्रॉक्सीमेटली 20th सेंचुरी का जब मैं कहूँ, तो इट मीन्स 1900 समथिंग में. तो इंडस्ट्रियल और सिविक रिफॉर्म्स, वहाँ पे लेजिस्लेशन बन रहे थे, तो वुमेंस ने भी अपने राइट्स मांगे थे. अब जैसे हैरियट मार्टिन्यू ये कौन है, ये फेमिनिस्ट है. तो इन्होंने भी वुमेंस के अधिकार के लिए काफ़ी गुहार लगाई. और हाँ, जैसे सोशियोलॉजी पे एक ऐसा और ब्लेम लगता है कि सोशियोलॉजिस्ट जो है वुमेंस की कंडीशंस को मेन के आईज से देखते हैं. क्योंकि सोशियोलॉजी जो है जब शुरू में मेंस से प्रभावित था, वो तो बाद में आके काफ़ी वुमेंस भी सोशियोलॉजिस्ट बनी, पार्टिसिपेट किया सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, जो वुमेंस घरों में वायलेंस फील करती हैं. जैसे होता है ना, अब आजकल क्या हो रहा है, फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी हो रहा है, मतलब गरीबी हो रही है. गरीबी क्यों हो रही है, क्यों गरीबी में वुमेंस की गरीबी हो रही है, क्योंकि अब मोर ऑफन क्या है कि तलाक वगैरह बढ़ रहे हैं, तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होल वुमेंस पे जा रही है. तो सिंगल पेरेंट होने की वजह से वुमेंस पे, मतलब कि वुमेंस में गरीबी आ रही है. या और एक बात और देखी गई है, सेम वेज नहीं मिलता अगर वो सेम वर्क कर रहे हैं तो. ये वुमेंस में बहुत ही ऑफन देखा गया है, और आज भी ये प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि फेमिनिज्म भी एक पर्सपेक्टिव है, एक फोर्स है सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन बनाने में और इसके स्कोप को बढ़ाने में. ओके, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, तो वैसे ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो मैंने ये वाली बात कही कि मेंस के पर्सपेक्टिव से देखा गया, क्योंकि मेंस जो उस टाइम के डरखाइम वगैरह थे, अगस्त क्रांति, इन्होंने वुमेंस के पर्सपेक्टिव को देखा ही नहीं, नज़रअंदाज कर दिया. तो जिससे जो फेमिनिस्ट लोग थे वो नाराज़ हो गए. तो जिस वजह से धीरे धीरे वो तो बाद में वुमेंस को भी सोशियोलॉजी में मतलब अधिकार मिलने लगा. तो चलिए ठीक है, ये भी एक फोर्स जनरेट हुआ इन द फॉर्मेशन ऑफ डिसिप्लिन. ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.
अगर आपको कोई भी कमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिए। मैंने वैसे मुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह तो आती नहीं, बस मुझे पढ़ाना था कि आपको अच्छे अच्छे नोट्स मिल जाएं ताकि आप अपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखें, एग्ज़ाम में नंबर गेन कर पाएँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।